हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब कोई बहुत 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 खुश हो। मैं हूँ सुजाता, आप सबके सामने आई हूँ एक नया एंड फ्रेश रेसिपी के साथ। आज मैं बनाई हूँ एक चिकन फ्राइड राइस। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन रूम में एक चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी सीखने के लिए। एक चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है राइस। मैंने इधर छोटा दाना वाला राइस ली हूँ। ऐसे एक छोटा ग्लास का नाप से मैंने एक ग्लास राइस ली हूँ, लगभग 200 ग्राम्स। वो राइस को मैंने नमक और पानी से बॉईल कर ली हूँ। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसे खिला खिला करके बॉईल करना है, इसको गीला नहीं करना है। इधर मैंने 150 ग्राम चिकन ली हूँ बोनलेस, जिसको मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर ली हूँ। अब मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, हाफ स्पून सोया सॉस, हाफ स्पून गोलकी पाउडर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मिला के 10 मिनट तक मैंने रख दूंगी। इधर मैंने 4 अंडा को तोड़ ली हूँ, जिसका व्हाइट पार्ट्स और येलो पार्ट्स को मैं अलग कर ली हूँ। अब मैं येलो पार्ट्स को अच्छी तरह से बीट करूंगी और व्हाइट पार्ट को अलग करके रख दूंगी। राइस हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं जो येलो पार्ट्स एक की बीट करके रखी थी वो मैं दे दूंगी धीरे धीरे। अब एक स्पून की मदद से मैं चारों तरफ से मिला दूंगी अच्छे से, ताकि पूरी राइस में एक कप पार्ट्स मिल जाए। ये सारे राइस में इसमें अच्छे से मिला दिए। अब मैं पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, 1 टीस्पून बटर दूंगी। अब बटर और तेल अच्छे से मिल जाए, उसके बाद मैं 5 से 6 लहसुन छोटा छोटा टुकड़ा कर ली हूँ, लहसुन मैं दे दूंगी। दो मीडियम साइज का प्याज ली हूँ, प्याज को मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर ली हूँ, वो प्याज भी मैं दे दूंगी। प्याज को फ्राई करना है, बट इसको लाल नहीं करना है, इसको नरम करना है। अब मैं कैप्सिकम, गाजर और कुछ कॉलीफ्लावर कट करके रखी हूँ, वो मैं दे दूंगी। आप लोगों का पास अगर बीन्स होगा, बीन्स भी दे सकते हैं, मटर भी दे सकते हैं, हरे मटर। बस मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। मैं ये तीनों वेजिटेबल्स है मेरे पास, तो तीनों वेजिटेबल मैं दे रही हूँ। प्याज का अपने मीडियम में रहेंगे। थोड़ी सी सॉल्ट, सब्जी हमारा हल्का सा सॉटी हो जाए उसके बाद मैं जो चिकन मैरिनेटेड करके रखी थी वो चिकन मैं दे दूंगी। अब चिकन और वेजिटेबल्स को अच्छे करके फ्राई करना है। अब मैं पैन को ढक दूंगी और गैस का फ्लेम लो में कर दूंगी, ताकि सब्जी और चिकन दोनों कुक हो जाए। हमारे सब्जी और चिकन अच्छी तरह से कुक हो गए। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। मैंने दूसरा एक पैन बैठाई हूँ, उसमें मैं 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल दूंगी। तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। अब मैं जो राइस में योक मिला के रखी थी वो राइस में दे दूंगी और इसको धीरे धीरे फ्राई करूंगी। राइस को अच्छी तरह से धीरे धीरे दबा के फ्राई करना है,
ताकि पूरी राइस में जो एक गीला हुआ है वो पूरी राइस अच्छे से फ्राइड हो जाए। राइस हमारे आधा फ्राई हो चुके हैं, अब मैं जो व्हाइट पार्ट्स रखी थी एक का वो मैं डाल दूंगी। अब पूरी राइस में अच्छी तरह से व्हाइट पार्ट को भी मैं मिला दूंगी। अभी मैं थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ी सी ब्लैक। धीरे धीरे मैं राइस को फ्राई करूंगी। तब तक मैं फ्राई करूंगी जब तक ना एक अच्छा से फ्राई हो जाए और पूरे राइस हमारे हिल जाए। राइस हमारे लगभग फ्राइड हो चुके हैं, अब मैं जो चिकन और वेजिटेबल फ्राई करके रखी थी वो मैं डाल दूंगी। अब धीरे धीरे मैं इसको ऊपर से नीचे तक पूरे राइस में मिला दूंगी। अब मेरा गैस का फ्लेम हाई में रहेंगे, हाई फ्लेम में इसको अच्छी तरह से पका लूंगी 3 से 4 मिनट तक। बस मेरे एक चिकन फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेटिंग करूंगी। देखिए वाओ कितना बढ़िया हुआ है। देखिए अब मैं थोड़ी सी तिल रोस्ट करके ऊपर से डाल दूंगी, इससे राइस का टेस्ट और भी बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाते हैं। बच्चे लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगे। आप ऑफिस के लिए भी ये पैक करके ले जा सकते हैं, एज ए लंच भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे एक लाइक ज़रूर दे देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। फिर मिलते और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।